नए भारत की आन, नए भारत की शान, नए भारत का भरोसा, नए भारत का दम। स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत, समुद्र में जिसका शुरू हो चुका है परीक्षण, ये भारत में निर्मित और भारत द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। देश के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद पीएम मोदी इस मौके पर ट्वीट कर इसे मेक इन इंडिया का बेहतरीन नमूना बताते हुए नौसेना को बधाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या खास है INS विक्रांत में? विक्रांत को स्वदेशी टेक्नोलॉजी से भारत में ही तैयार किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। इसका कुल वजन है 40,000 टन। ये करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसके डेक का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ है। इसे बनाने में 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पर 40 विमान हर समय उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। MiG-29 जैसे 26 विमान एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसके साथ 10 हेलीकॉप्टर और छोटे विमान भी आ सकते हैं। इस पर 200 नौसेना अधिकारी व 1,500 सैनिक तैनात होंगे। विक्रांत नाम के एक जहाज ने 1971 में युद्ध में अहम भूमिका भी निभाई थी। आने वाले 6 महीनों में विक्रांत का ट्रायल पूरा हो जाएगा और समुद्र में इसकी तैनाती कर दी जाएगी। INS का निर्माण कर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेश में डिजाइन करने, निर्माण करने और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता है।